सभी को गुड आफ्टरनून। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, ये हमारे एरिया शालीमंडा में एक मर्डर केस और अटेम्प्ट मर्डर केस के बारे में सभी को ब्रीफ करने के लिए रखी गई। जून 18 की रात को एक मनी डिस्प्यूट, पैसे के ऊपर होने वाले झगड़ा किस तरह से इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। और मक्का कॉलोनी शालीमंडा में पहले जो एक छोटा सा पैसे के लिए झगड़ा हुआ था मदर और सोहेल के बीच में, उसमें कई लोग बाद में आके इन्वॉल्व हो गए और वाजिद जो इसमें इंजर्ड है और रफीक शिमला जो इसमें इंजर्ड है, उसके अलावा इंजर्ड होने के बाद फेटल इंजरीज की वजह से जिसका डेथ हो गया, और साजिद और खादी जिनको माइनर इंजरीज हुई है, इन चार लोग पे अटैक किया गया जिस अटैक में कुल मिला के 18 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनमें से 12 लोग हमारी कस्टडी में हैं, अरेस्टेड हैं, जिसमें मेन A1 मोहम्मद असद जिसने कि मेन अटैक किया, रफीक शिमला को स्टैब किया, वाजिद को अटैक किया और जिसकी वजह से इसमें शिमला की डेथ हो गई और वाजिद भी गंभीर तरीके से जख्मी हुआ। A2 उसका साथी है हुसैनी पाशा जिसका दूसरा नाम आशू है, A3 मोहम्मद सुभान खान, A4 मोहम्मद अनवर, A5 मेहसान बिन समद मिस्री, A6 इमरान, A7 गाउस, A8 मोहम्मद अदनान, A9 मज़र, A10 सुहेल, A11 मोहम्मद इस्माइल, A12 सैफ अली खान, अब्दुल्ला खान, शेख दस्तगीर, सैयद याकूब अली, उस्मान बिन खालिद यमनी, अमान अली हाशमी और दस्तगीर, जिसमें से टोटल मिला के 18 लोगों में से हमने 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें मेन A1, A2, A3, A4 हैं और सब लोग हमारी कस्टडी में हैं। अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो है DCP टास्क फोर्स रश्मि पेरूमल IPS, एडिशनल DCP साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव, ACP छत्रीनाका चंद्रशेखर, एंड उसके अलावा जो टीम है इसमें इंस्पेक्टर ऑफ शालीमंडा पुलिस स्टेशन एस रवि कुमार, विद टास्क फोर्स टीम्स इन सपोर्ट ऑफ ऑफिसर्स लाइक एस शेशु जानैया, कांस्टेबल मुरली, श्रीकांत राव, साई बाबा, वी पुरुषोत्तम। जनरली ये जो वारदात हुई है उससे हमें ये मालूम पड़ा है कि ये जो बॉडीली ऑफेंसेज और जो रिसेंट इंसिडेंसेज हुए जिसमें एक तरीके से गैंग की तरह लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा माहौल चला है हमारे एरिया में जिसमें लेट नाइट शॉप्स ओपन रहते हैं, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ इस तरह के माहौल रहने से इंकरेज होती है। तो पिछले 4-5 दिन से हमने ओल्ड सिटी में नहीं, इनफैक्ट पूरे हैदराबाद में इस तरीके की इलीगल रनिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बियॉन्ड परमिटेड आवर्स को प्रिवेंट करने के लिए कई सख्ती से कदम उठाए हैं, पर इसके बावजूद भी नोटिस किया जा रहा है कि कुछ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट जो हैं वो बैकडोर से या फिर एक बार बंद कराए जाने के बाद दोबारा खोल के और गलत तरीके से बियॉन्ड परमिटेड आवर्स इसको रन कर रहे हैं। कई लोगों को डिसआर्मिंग ऑपरेशन एक हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें CP सर के ऑर्डर्स के अनुसार पूरे हैदराबाद में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग आर्म्स लेके घूम रहे हैं या कुछ लोग छोटे छोटे पेपर कटिंग नाइफ्स लेके घूम रहे हैं, और ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, उन पे केसेस भी बुक किए गए हैं और उनको रिमांड भी किया गया है। इसी तरह शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के ओनर्स जो हैं जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स खोल रहे हैं उनको भी पकड़ के उनके ऊपर केसेस किए गए हैं। तो हमारी सबसे यही गुजारिश है कि जो भी लीगली अलाउड है, जो भी लॉफुली अलाउड है, और जिस तरह से हम एक अमन चैन और शांति का माहौल बना सकते हैं और इस तरीके के क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और इस तरीके के क्राइम को होने से रोकने के लिए जिस तरह का माहौल एक शहर में होना चाहिए, आइए उसको बनाए रखें। और जो भी इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं उनको ये वार्निंग है कि किसी भी तरीके का इसमें टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है इन एस्टैब्लिशमेंट एंड कैरिंग ऑफ आर्म्स बाय पर्संस इवन इंक्लूडिंग सम माइनर्स। और हमारी ये गुजारिश पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर से भी है कि अपने जो वार्ड्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको काउंसिल करें। कई छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के छोटे छोटे गांजा पैकेट लेके घूम रहे हैं, खा रहे हैं, और उस गांजा या टैबलेट्स कुछ है नाइट्रोमेट टैबलेट्स उसके नशे में
उनको ये होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, छोटे छोटे नाइफ्स कैरी कर रहे हैं, तो वाइटनर कंज्यूम कर रहे हैं, उसको वाइटनर यूज़ करके नशे में रहते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फैमिली का है, उनके पेरेंट्स का है, जिनको हम कुछ दिनों से काउंसिल भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में काउंसलिंग के साथ साथ सख्ती से इस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो ये प्रेस मीट में हम ये भी गुजारिश करते हैं कि जो भी पब्लिक है, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें और इस सारी जो हमने गाइडलाइंस दी है उस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है हैदराबाद सिटी पुलिस की। इसी के साथ साथ एक दूसरा क्राइम भी उसी रोज काला पत्थर पुलिस स्टेशन में हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 केस। 19 जून को अर्ली मॉर्निंग 1:55 पे मोहम्मद पाशा, जो इस क्राइम में कंप्लेनेंट भी है, उसने रिपोर्ट किया कि उसको कुछ लोगों ने आके अटैक किया और उसका कंधा तोड़ दिया, उसका शोल्डर में डिसलोकेशन हुआ, जिसमें उसने नाम लिया A1 अशफाक या छोटा अशफाक, A2 जाफर, A3 हुसैन, फैजल, काशिफ, अफरोज, मुबीन, यूनुस, पवन, हैदर, साजिद, इद्रिस और इमरान का, जिसने इस पाशा जो हमारा विक्टिम है इस केस में उसको रोका और उसको स्टिक्स और हाथों से मार के उसका कंधा तोड़ दिया। इसमें मोटिव ये बताया जा रहा है कि जो हमारे ऑलरेडी मर्डर एक्यूज हैं इससे पहले वाले केस में, जो आपको शाली बंडा का केस हमने रिलीव किया है, असद, आशु और सुभान, इसमें असद को ये डाउट था कि अशफाक जो है ये इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कोई पास करे, उसकी पुरानी कोई, उससे दिमागी रूप से उसने ये सोच रखा था कि मेरी इससे दुश्मनी है और ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन पास करता है। तो जब वो पहला मर्डर करके भाग रहा था उस टाइम पे वो इस ये पान शॉप के पास रुका और उसने नाइफ्स जो हैं अशफाक को दिखाए, तो अशफाक को ये लगा कि ये मुझे चाकू कैसे दिखा सकता है, ये कौन होता है, और उसने अपने सारे जो साथी हैं A1 से लेके A13 तक उनको बुलाया और असद का भाई जो है मोहम्मद पाशा उसको खूब पीटा, उसका कंधा तोड़ दिया।